आशा करता हूँ कि कल की योजना हम सभी को स्पष्ट होगी। कल सूर्योदय के समय माँ और दुर्गरा का विनिमय होगा। किंतु यदि कल की हमारी ये योजना विफल हो गई तो क्या हम यूं ही महारानी को मरने के लिए छोड़ देंगे? मेरा भी आपसे यही प्रश्न है आचार्य। आप अपने अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए कोई भी बलिदान दे सकते हैं, फिर चाहे वो हमारी महारानी मूरा क्यों ना हो। बलदेव, तुम इस समय इतने क्रुद्ध हो कि मेरा मंतव्य नहीं समझ पाओगे। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरी इस योजना में महारानी मूरा का बंधक बनना आवश्यक क्यों था। आचार्य, यहाँ प्रश्न केवल एक योजना के सफल होने का नहीं है, यहाँ प्रश्न है हमारी महारानी के प्राणों का। और यहाँ उपस्थित कोई भी क्षत्रिय किसी भी परिस्थिति में महारानी के प्राणों को संकट में डालने के पक्ष में नहीं। ठीक है, यदि आप लोगों के पास कोई अन्य योजना या विकल्प है तो सुनाइए, मैं सुनने को तत्पर। शांत हो जाइए। इस योजना का अनुसरण करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि माँ का और कोई विकल्प नहीं है। ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि दुर्धरा के बदले मैं अपनी माँ को पुनः लेकर आऊंगा, वो भी सुरक्षित। बलदेव के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ आचार्य। नहीं नहीं चंद्रगुप्त, मैं क्रुद्ध नहीं, क्योंकि यदि इनकी ये अटल निष्ठा और विश्वास क्षत्रिय गौरव और गरिमा की प्रतीक महारानी मूरा के प्रति है तो मुझसे अधिक प्रसन्नता और किसी को नहीं होगी। आशा है कि माँ वहां कुशल है। हाँ महीन, चंद्रगुप्त ने अपने संदेश में स्पष्ट लिखा था कि विनिमय सूर्योदय के समय करेगा, फिर वहां जाने का निर्णय रात्रि में क्यों? वैसे भी बहन की चिंता में मैं रात भर सो नहीं पाता महामाते। ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है उस चंद्रगुप्त के बताए हुए स्थान पर पहुंचकर मैं अपनी बहन के पास थोड़ा पास रहूंगा। समझ गया महामहिम। हम सूर्योदय तक यही प्रतीक्षा करेंगे मामा। है मेरी बहना।